वैसे तो यूपी पुलिस के आए दिन कोई ना कोई कारनामे सामने आते रहते हैं, चाहे वो मेरठ में फेक एनकाउंटर का मामला हो या फिर किसी बुजुर्ग को मारने का मामला। यूपी पुलिस अपने करतूतों के जरिए सुर्खियों में बनी रहती है। आज भी यूपी पुलिस की एक ऐसी ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई। आइए आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस ने किसी की जान ले ली। यूपी पुलिस का दर्दनाक चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। खाकी वर्दी की ताकत ने एक बेगुनाह से उसकी सांसें छीन ली। हम बात कर रहे हैं उस विवेक तिवारी की, जिसकी लखनऊ की गोमती नगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। महज एक गाड़ी ना रोकने पर बेधड़क होकर गोली चला दी। इस चली हुई गोली ने निर्दोष विवेक तिवारी से उसकी जिंदगी छीन ली। और गोली किसी बदमाश ने नहीं, बल्कि लोगों की हिफाजत की कसम खाने वाले रक्षक से भक्षक बने खाकी वर्दी वालों ने चलाई है। पूरे हादसे की गवाह मृतक की सहयोगी ने हाले बयां किया और एसएसपी कलानिधि ने थाने को पूरा मामला बताया। सुबह एक मुकदमा लिखाया गया है थाना गोमती नगर में, अंतर्गत धारा 302 IPC, जिसमें सना खान ने इन्होंने बताया है कि कल रात को ये अपने कलीग के साथ घर जा रही थी। कलीग का नाम विवेक तिवारी है। CMS गोमती नगर विस्तार के पास इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तभी सामने से दो पुलिस वाले आए। इन्होंने बच निकलने की कोशिश की तो और पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो अचानक से इनको ऐसा लगा जैसे कहीं पर गोली चली है। उसके बाद गाड़ी आगे जाकर के एक खंभे से टकरा गई और अंडरपास वाली दीवार से टकरा गई और विवेक के सर से काफी खून बहने लगा। इसने सना ने मदद मांगी और कुछ ही देर बाद पुलिस आई और उन सबको अस्पताल ले गई और उसके बाद सूचना प्राप्त हुई कि अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई विवेक की। इसमें मौके पर आला अधिकारी सभी अधिकारी वहां पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया गया। इस पूरे प्रकरण में जो बात घटनास्थल से और प्रत्यक्षदर्शियों से निकल करके आई थी कि जब वहां पर ये गाड़ी खड़ी थी और जब संदिग्ध कुछ गतिविधि वहां पर पुलिस को लगी, पुलिस ने जब पूछताछ की तो गाड़ी थी वो आगे चल के पुलिस की मोटरसाइकिल को हिट की है, जिससे उसकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिस कर्मी भी वहां पर चोटिल हुई। जब गाड़ी फिर बैक थी तो जैसा कि बताया गया है कि बैक होने के बाद जब फिर गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो पुलिस कर्मी ने वहां पर जो कांस्टेबल है प्रशांत चौधरी, उसने एक फायर किया जो उसकी विंडशील्ड पे लगा है गाड़ी के और विंडशील्ड को पार करते हुए अंदर चला गया। इसके बाद गाड़ी वहां पर बहुत तेज स्पीड से आगे को निकली, आगे चल के अंडरपास के पास एक खंभे पर टकराई। इस पूरे घटना में जो मृतक हैं इनके मृत्यु जब गाड़ी टकराई थी उसके बाद एक्सीडेंटल चोटों से भी या बुलेट से भी है, इसका सही जानकारी पोस्टमार्टम के बाद में पाएगी। फिलहाल जो है जो सना है इनके दलील के आधार पर अंतर्गत IPC 302 मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही कांस्टेबल प्रशांत चौधरी और संदीप को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है। एप्पल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करने वाले विवेक तिवारी को रात के करीब 3 बजे गाड़ी न रोकने के मामूली सिपाह पर दो सिपाहियों ने सिर में गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। गाड़ी पर लगे गोली के निशान पूरी रास्ता बयां कर रहे हैं। घटना की जगह पर पड़ी ये बाइक साफ साफ बता रही है कि किस तरह से गोली मारने के बाद भी विवेक तिवारी ने हिम्मत न हारते हुए गाड़ी को दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकरा। पुलिस वालों ने तैश में आकर और अपनी ताकत का जो किसी की जान बचाने के लिए और हिफाजत करने के लिए देश के हर पुलिस वाले को दी जाती है, आज उसी ने ही एक बेगुनाह की जिंदगी छीन ली। विवेक तिवारी की पत्नी का आरोप है कि उनके पति को जानबूझकर मारा गया है। पत्नी का कहना है कि पुलिस वालों ने पूछने पर नहीं बताया कि उनके पति को गोली मारी गई, बल्कि कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ है। पीछा अगर जब तक किया उन्होंने तो लड़की एक बताते हैं पीछा किया जाके गाड़ी खुद मैडम वहाँ पे टकरा गई। किसी पुलिस वाले ने कि आला अफसर कौन कौन थे वहाँ मुझे किसी का नाम नहीं पता है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गोली मारी गई। और अगर एक्सीडेंट हुआ था फिर मैंने कहा मुझे उस लड़की से मिलना है, गई तो उसके यहाँ लेडी कांस्टेबल बिठा रखी है। क्या वो लड़की विक्टिम थी कि लेडी कांस्टेबल बिठा रखी थी? लड़की क्या करती है आप जानती हैं उसको?
लड़की पहले एप्पल में जॉब करती थी, उसका एप्पल से फिर जॉब से वो हट गई थी, अब वो नई जॉब की तलाश में थी यहाँ पे, और अभी कुछ दिन पहले फिर से उसका एप्पल में इंटरव्यू वगैरह हुआ था, शायद रिज्वाइनिंग वगैरह कुछ हो गई थी, वो फिलहाल वो काम ही कर रही थी यहाँ पे। वो सिर्फ एक नॉर्मल सी एम्प्लॉई थी, अगर एक्सीडेंट हुआ था तो उस लड़की को तो चोट आई नहीं है, सामने से गाड़ी में गोली मार दी, कभी कुछ बताया कभी कुछ बताया क्यों, और ऊपर से पुलिस वाले लीपा पोती कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई रंजिश नहीं थी। 4 साल पहले हम यहाँ आए थे, सिर्फ हमारा काम से काम चलता था, वो अपने ऑफिस मैं अपने घर में। क्या शर्मसार करने वाला कारनामा, यूपी पुलिस का एक और खौफनाक चेहरा आज देखने को मिला, एक और शर्मसार हरकत यूपी पुलिस के सामने आई है, गाड़ी ना रोकने पर बेगुनाह को गोली मार दी गई। एमएल कंपनी के जोनल मैनेजर विवेक तिवारी को यूपी पुलिस ने गोली मारी, यूपी पुलिस का एक और खौफनाक चेहरा देखने को मिला, गाड़ी ना रोकने के आरोप में विवेक को गोली मार दी गई। रात के तकरीबन 3 बजे विवेक तिवारी को गोली मारी गई, गोली मारकर मौके से सिपाही फरार हो गए। वहीं गोली लगने के बाद भी विवेक तिवारी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर गाड़ी चलाने का गाड़ी का संतुलन बिगड़ने पर एक्सीडेंट हुआ। एक और खौफनाक चेहरा देखने को मिला, सहयोगी को घर छोड़ते वक्त ये गोली मारी गई है। रात के तकरीबन 3 बजे यूपी पुलिस ने विवेक तिवारी को मात्र इस बात पर गोली मारी कि विवेक तिवारी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, और उसके बाद से लगातार यूपी पुलिस इस मामले पर लीपा पोती करने में लगी है। कभी इसे हादसे का नाम दिया गया तो कभी इसे एक्सीडेंट बताया गया। वहीं आई विटनेस सना को घर में पुलिस ने नजरबंद कर दिया। तिवारी को गोली मारने पर पुलिस ने, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन में काफी हड़कंप मच गया है, प्रदेश के सीएम से लेकर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों में काफी अफरा तफरी नजर आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं, जब आला अधिकारियों के सामने मामला आया तो क्या कुछ कहना था उनका। तिवारी की हत्या ने राजनीति गलियारे में एक हवा दे दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए, मामले की सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और जरूरत पड़ी तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने साफ कहा कि हत्या की गई है, इसलिए तो सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में राजनीति शुरू होती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता आशु अवस्थी ने कहा कि 17 महीने में कानून बिगड़ गया है यूपी का, मामले की जांच हो और इतना ही नहीं मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वह इनकाउंटर नहीं है, हो रहा है, हम इस घटना की पूरी जांच कराएंगे। जो दोषी थे लेकिन इस पूरी घटना की जांच होगी, आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई को भी योगी सरकार में जो भी दोषी पाया जाएगा चाहे वो पुलिस वाला क्यों ना हो, लेकिन दोनों पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। 302 के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से कठोर सब कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। बराबर भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर, बलात्कार में 43% की वृद्धि हुई है, लूट डकैती छिड़ैती हर तरीके के अपराध में उन जिले दुखद घटना हुई, हम इस पर दुख व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। यूपी पुलिस की डीजीपी और एसएसपी अलग ही बयान देते नजर आए, जहां यूपी के डीजीपी ने कहा कि आरोपी पुलिस वालों ने हत्या के इरादे से ही गोली चलाई। वहीं लखनऊ के एसएसपी प्रेस वार्ता के दौरान दोनों आरोपी सिपाहियों का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि सिपाहियों ने गाड़ी का पीछा तो किया था और उनको लगा कि कोई बदमाश है गाड़ी के अंदर, इसलिए गोली चला दी गई। हालांकि दोनों आरोपी सिपाहियों को बर्खास्त कर हिरासत में ले लिया गया। एक विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। सुबह के वक्त जब वो जा रहे थे गाड़ी से तो एक महिला अधिकारी के साथ वो वहाँ पे थे जो उनकी कंपनी में ही काम कर रही थी, वो दोनों काम कर रहे थे और उनको एक जगह वहाँ पे खड़ी थी गाड़ी, मेरे दो सिपाही
जो चेतक का जो हमारा वो रहता है उसमें वो थे और उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उनसे कहा कि आप बाहर निकल कर बताएं क्या है। वो निकलने से रिफ्यूज किया और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके मेरे कॉन्स्टेबल्स पे चढ़ाने की मोटरसाइकिल पे चढ़ाने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में जैसा कॉन्स्टेबल ने बताया कि सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चलाई, गोली उसके चिन्ह पे लगी है और बाद में गाड़ी जाकर वो एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई। ये एक प्योर अपराध की श्रेणी में आता है। हमने तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, उन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है और उनको आज शाम तक हम बर्खास्त कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि पुलिस अधिकारी को या कर्मचारी को सेल्फ डिफेंस का फील लेते हुए ये नहीं है कि वो एक्सीड कर जाए कि पब्लिक परसेप्शन थ्रेट का कितना है। और मैं समझता हूँ कि ये हत्या का प्योर मामला है जो मेरे पुलिस कर्मियों ने किया है और इसी के कारण हत्या के मुकदमा की दर्ज करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई है और पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि गनशॉट की वजह से उसकी हत्या। पुलिस का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है हम लोग उस पर सख्त कदम उठा रहे हैं और जहां पे भी अगर पुलिसकर्मी गलत काम करते हैं तो उन्हें न केवल गिरफ्तार किया जाता है, न केवल उन्हें सस्पेंड किया जाता है बल्कि उन्हें बर्खास्त भी किया जाता है। और कई ऐसे दृष्टांत उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें हमने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनफैक्ट मेरा सीधा संवाद पुलिसकर्मियों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पुलिसकर्मी जो है वो समाज की सेवा के लिए न कि किसी को रक्षक या पक्षक की श्रेणी में आने के लिए। परिवार को उजाड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस।